मिजोरम विधानसभा चुनाव के 40 सीटों के लिए जारी है मतगणना का काम। मिजो नेशनल फ्रंट और जोरम पीपल्स मूवमेंट में सीधी टक्कर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने 3 राज्यों में भाजपा को मिली बड़ी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। कहा, मोदी की गारंटी पर देश को है भरोसा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिली बड़ी जीत के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में मना जश्न। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में भी बड़ी जीत हासिल करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान दानापुर में लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद आरक्षण लागू करने के बाद ही एनडीए में जाने पर किया जाएगा विचार। बीपीएससी की 68वीं मुख्य परीक्षा में 867 अभ्यर्थी हुए सफल। अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई। पद्मश्री सुधा वर्गीस को मिलेगा जमुना लाल बजाज पुरस्कार। प्रदेश में दलित और वंचित वर्ग की महिलाओं के सामाजिक उत्थान करने के लिए होंगी सम्मानित। मुंगेर जिले में उत्पाद विभाग ने शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। झारखंड से बेगूसराय जा रही थी शराब की खेप, तस्कर गिरफ्तार। पछुआ हवा के प्रभाव से राजधानी पटना के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की आई गिरावट। कई जिलों में भी बढ़ी ठंड। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों से हराकर 4-1 से जीती श्रृंखला। अंत में